हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। आई दृष्टि डिस्कस कर रहे घटनाचक्र का, जो सबसे लेटेस्ट वाली अभी आई है, जिसमें 15 अप्रैल 2023 तक का दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो जनवरी तक आया था वो भी मैगजीन हम पूरा पूरा डिस्कस कर चुके थे, ये भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या करेंगे, बहुत सारे स्टैटिक को भी हम रिवाइज करेंगे करंट के साथ स्टैटिक को लिंक करके। तो पहला ए टॉपिक हो चुका है, इस वीडियो में हम बी टॉपिक करेंगे। पहला क्या है, नेशनल स्कीम एंड इनिशिएटिव। ये कुछ स्कीम है, 10-15 स्कीम डिस्कस करेंगे और इसके साथ बहुत सारे स्टैटिक रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सागर मंथन क्या है? सागर मंथन सिर्फ कुछ नहीं है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज या उससे रिलेटेड जो भी ये मिनिस्ट्री होगी, उससे की जो भी सब्सिडरी है, सारा डेटा को इंटीग्रेट किया जाएगा और डेटा परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्या कौन कैसे काम करता है। तो एक हम डैशबोर्ड बोल सकते हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म बोल सकते हो। किसका है? सागर मंथन है। लॉन्च किन्होंने किया याद नहीं रखना है। वैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज कौन है? श्री सबरानंद सोनोवाल। अगला टॉपिक क्या है, नमामि गंगा इनिशिएटिव। अभी हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन ने नमामि गंगे को, जो कि आया था 2014 में, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मेन काम था कि गंगा को सफाई करते हैं और गंगा से एक तो रीस्टोर करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। तो यूएन ने 10 जो वर्ल्ड के अच्छे रीस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम को चुना है, उसमें से एक प्रोग्राम नमामि गंगे भी है। और ये अवार्ड कब दिया गया, 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रीस्टोरेशन डे। एक्चुअली एक और याद रखिए, यूनाइटेड नेशन का डिकेड है ऑन एनवायरमेंट रीस्टोरेशन, ये 2021 से 30 है, डिकेड है, डिकेड 10 साल का। अवार्ड दिया, और मेन अवार्ड क्यों मिला, कि गंगा को रिजुविनेट कर रहे हैं। कई सारे और प्रोग्राम चलाए जाते हैं ग्रीन के लिए, एक तो नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है और एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके अंदर कई सारे प्रोग्राम आते हैं। उसके अंदर एक प्रोग्राम ग्रीन इंडिया मिशन भी है। और अवार्ड दिया गया कहाँ पे, जब 15 कॉन्फ्रेंस हुआ ना, COP15, कहाँ पे, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का, कहाँ पे हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। तो CBD आया कब था, देखो 1992 में आपको पता है अर्थ समिट हुआ था, जिसका नाम रियो समिट हुई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इस समिट में तीन कन्वेंशन साइन होने के लिए शुरुआत है, एक यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन ये कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि ये तीनों बॉडी जो साइन कन्वेंशन है, साइन करने के लिए शुरुआत कब हुआ, रियो समिट में। ये एक बारी देख लीजिए, ये गंगा रिवर है, गंगा रिवर, उसकी कई सारे ट्रिब्यूटरी है, राम गंगा, गोमती, घाघरा, गोमती लखनऊ रिवर के किनारे है, मतलब लखनऊ रिवर गो लखनऊ शहर गोमती रिवर के किनारे है, घाघरा, गंडक, कोशी, उसके बाद तिस्ता, ये ब्रह्मपुत्रा की रिवर है। तिस्ता एक्चुअली ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। वो भी कहाँ पे मिलती है, बांग्लादेश में मिलती है, यानी जमुना से मिलती है, ब्रह्मपुत्रा से नहीं मिलती है, जमुना से मिलती है। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है कामनेंग, दिवांग, धानसिरी, मनास, रैदक, जालधका, ये सब ट्रिब्यूटरी है, याद रखिए। और ये ब्रह्मपुत्र जमुना बन जाता है जब बांग्लादेश में जाता है, उसके बाद जमुना से मिल जाती है गंगा की रिवर पद्मा। गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली और एक है पद्मा। पद्मा जमुना से मिलती है तो नाम पड़ जाता है पद्मा, जब मेघना मिलती है तो नाम पड़ जाता है मेघना। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, चंबल रिवर है, चंबल रिवर, ये आपने पता है। कूनो नेशनल पार्क आपने सुना ना, कूनो नेशनल पार्क किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल रिवर की ट्रिब्यूटी। चंबल खुद यमुना रिवर की ट्रिब्यूटी है और यमुना खुद गंगा रिवर से मिलता है इलाहाबाद में। एक चीज, नमामि गंगे प्रोग्राम में जो बजट आउटले कितना शुरुआत किया गया था, 20,000 करोड़। उसके अलावा नमामि गंगे प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये आती है जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आती है, जल शक्ति। और कौन से बॉडी इसको इम्प्लीमेंट करता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है NTPC। NTPC ने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन, ध्यान देना, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बनाने के प्रोसेस में जो एनर्जी यूज कर रहे हो ना, वो भी ग्रीन है, उससे भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है। तो पहला क्या बन रहा है,
हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, ये कहाँ पे हो रहा है शुरू? सूरत गुजरात में, याद रखना। ये किसका? ऑब्वियसली एक ज्वाइंट एफर्ट होगा एनटीपीसी और गुजरात का। फाउंडेशन स्टोन डाला गया 30 जुलाई को, ये याद नहीं रखना। और ग्रीन हाइड्रोजन कवास जो कि सूरत में है, इज मेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, याद रखना। कैसे होता है हाइड्रोजन, कैसे बनता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करके बनाते हैं। और ये अभी तक इंडिया पहली बार कुए हुआ है, इससे पहले और देश कौन कौन ऐसा कर चुके हैं? यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ऐसा ऑलरेडी कर चुके हैं। और एनटीपीसी 1975 में स्टार्ट हुआ, इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी है। अगला प्रोग्राम क्या है? स्मार्ट प्रोग्राम। स्मार्ट प्रोग्राम क्या है, ध्यान देना, फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा। मेन किस चीज पे फोकस कर रहा है? आयुर्वेदा के रिसर्च पे, इन टीचिंग प्रोफेशनल। टीचिंग जो प्रोफेशनल है उसमें आयुर्वेदा के रिसर्च की बात करते हैं। और ये कौन से मिनिस्ट्री ने शुरू किया? आयुष ने। आयुष एक्चुअली मिनिस्ट्री, खुद मिनिस्ट्री कब बना? 2014 में। उससे पहले ये डिपार्टमेंट हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आते हैं। आयुष समझ गए, आयुर्वेदा, उसके बाद है होम्यो, बहुत जो मेन मेन है ना उस सबका ये फुल फॉर्म है, ऐसे जोड़ जोड़ के बनाया गया है आयुष। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक रिसर्च को आयुर्वेदा में बूस्ट करना। नवंबर 2014 में बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अगला टॉपिक क्या है? फाइव करोड़ सिटीजन हैव सब्सक्राइब, एक अटल पेंशन योजना है, ठीक है, अटल पेंशन योजना है, PFRDA, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने बोला है कि AAPY मतलब अटल पेंशन योजना में टोटल 5 करोड़ इनरोलमेंट हो चुका है। ये क्या करता है? ओल्ड एज लोगों को इनकम सिक्योरिटी देता है, सारे सिटीजन को, ठीक है ना। ऐसे लोग जो पहले अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, तो पेंशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये इस स्कीम को एडमिनिस्टर कौन करता है? PFRDA थ्रू NPS आर्किटेक्चर के थ्रू, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक मिलेंगे हर महीने, आपकी एज 60 साल होगी उसके बाद। और एक और चीज, आप जितना पे, इसमें क्या करें, आप जितना पे करोगे ना उसका 50%, मतलब देखो 50% आप पे करो, 50% सरकार पे करेगी, और आपको सरकार जो पे करेगी या तो 50% करेगी या तो 1,000 रुपया हर साल करेगी, ठीक है ना, जो कम हो, याद रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है कि वही सब्सक्राइब कर सकता है जिसकी एज 18 से 40 साल है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 18 से 40। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले हमें पूछा जा सकता है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो सबसे पहले हम ग्रीन हाइड्रोजन का पता कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन जो बनाया जाता है ना, हाइड्रोजन के कई बनाने के तरीके हैं, अगर उसको बनाने में आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, ठीक है ना, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, और तो ये एक एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी है। तो सिंपल समझो, अगर ग्रीन हाइड्रोजन कब बनेगा? इट इज प्रोड्यूस यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस विथ वाटर विथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया था। देखो सिंपल समझो, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के कई तरीके, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करो, प्लस आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी अलग से दोगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी वो वाला यूज करो जो रिन्यूएबल है। मतलब मान लो सोलर प्लेट यूज कर रहे हो, सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, तो दोनों जब यूज करोगे ना तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हो वो भी ग्रीन टाइप हो, वो भी क्या हो, वो भी रिन्यूएबल हो। सेकेंड क्या है? ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, ये बेकार वाला है। बेकार वाला कैसे? क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन बन रहा है बट यहाँ पे कोल बन रहा है, लिग्नाइट या कोल गैसिफिकेशन कर रहे हो, ध्यान देना, लिग्नाइट या कोल गैसिफिकेशन कर रहे हो, या आपका एक प्रोसेस होता है स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन, स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस या मीथेन। नेचुरल गैस, देखो अब जब दो टाइप के गैस होते हैं, जब बोलते हैं बायोगैस और एक होता है नेचुरल गैस। और एक होता है पेट्रोलियम गैस,
और एक होता है सीन गैस। तो सबसे पहले समझो, नेचुरल गैस जिससे क्या बनता है, सीएनजी जो आपने देखा है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें सबसे ज्यादा होता है मीथेन। मीथेन 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 बहुत इंपॉर्टेंट। पेट्रोलियम गैस, इसमें से दो चीज होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, ये जो बनता है एलपीजी बनता है। और एलपीजी में सुगंध क्या इसी के कारण होता है? नहीं, वो एक और चीज होता है, इथाइल मरकैप्टन डाला होता है स्मेल के लिए, कि आपको गैस लीक हो रहा है तो पता चले। शीन गैस में कई चीज होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, बायोगैस में भी मीथेन होता है। तो अच्छे से समझेगा ना आपको, इसमें पेट्रोलियम गैस में कंफ्यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल आया था, जैसे इसमें आपको कंफ्यूज करेंगे, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम वाला याद कर लो, सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वाला याद करो। तो नेचुरल गैस में अगर मीथेन है तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस में भी तो मीथेन ही होगा। पेट्रोलियम गैस में अगर ब्यूटेन एंड प्रोपेन है तो एलपीजी में भी ब्यूटेन एंड प्रोपेन ही होगा। सिन गैस में क्या है, बायोगैस में क्या है, बायोगैस में एक तो मेन मीथेन होता है, उसके अलावा और भी कई चीज़ होती है। तो ग्रे हाइड्रोजन देख लिया, ग्रीन हाइड्रोजन देख लिया, और उसके अलावा एक है ब्लू हाइड्रोजन। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, नेचुरल गैस या कोल गैसिफिकेशन, और उसके साथ किसके कंबाइन होता है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज और कार्बन कैप्चर यूज टेक्नोलॉजी, ताकि कार्बन इमिशन को कम किया जा सके। इसमें क्या है, ये कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसमें कार्बन इमिशन कम किया, खत्म कर दिया इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में। और यहाँ बता रहा है कि इंडिया का हाइड्रोजन डिमांड है ना 6 मिलियन टन था 2022 में, इसीलिए हमने एक प्रोग्राम चलाया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्योंकि इंडिया का मेन एम है कि 2070 तक इंडिया पूरा तरह कार्बन न्यूट्रल बन जाए। इंडिया अभी जो रिक्वायरमेंट है ना एनर्जी का, उसका 40% इम्पोर्ट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिया इज करेंटली इम्पोर्ट ओवर 40% ऑफ इट्स प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसका पैसा होता है 90 बिलियन। और ये मिशन किन्होंने लॉन्च किया, यूनियन में कैबिनेट में चेयर किए थे प्रधानमंत्री जी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है। उसके अलावा की हाईलाइट है इसके, फेज वन है, फेज टू है। फेज वन 2022 से 25-26 के बीच है, और इतना ये नहीं याद रखना है। अब कुछ प्रोग्राम है, कुछ कंपोनेंट है। क्या है कंपोनेंट, पहले साइट प्रोग्राम, पायलट प्रोजेक्ट, आरएनडी प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट। साइट प्रोजेक्ट क्या है, फुल फॉर्म है स्ट्रेटजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ऑब्वियसली ग्रीन हाइड्रोजन में ट्रांजिट करना। सेकेंड, पायलट प्रोजेक्ट क्या है, कई सारे पायलट प्रोजेक्ट डाले गए हैं। आरएनडी प्रोजेक्ट भी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, जिसका नाम एक है सिप, स्ट्रेटजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा तो पता ही है। मिशन का एक्सपेक्टेड आउटकम आउटकम क्या है, क्योंकि आपको पता है 2020 में हमारा क्या था, जरूरत था 6 बिलियन। अब यहाँ पे कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है आपको 5 मिलियन मेट्रिक टन। ग्रे ब्लू और ग्रीन हाइड्रोजन में डिफरेंस हमने तो दे ही लिया। उसके पहले हाइड्रोजन में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। हाइड्रोजन लाइटेस्ट, मतलब हाइड्रोजन के बारे में, और मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है पूरे यूनिवर्स की बात करें तो। अगर टॉप लेयर जो होते हैं ना, सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटो, फिर मेजो, फिर एक्जो, तो सबसे टॉप स्फीयर में आपको हाइड्रोजन और हीलियम मिलेंगे। देखो ये रेयरली एलिमेंटल फॉर्म में रेयरली ही मिलते हैं, मस्ट ऑलवेज बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अदर हाइड्रोजन, अलग कंपाउंड के साथ अटैच रहते हैं, याद रखना। तीन पार्ट में बटा है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, एक हाइड्रोजन 11, एक हाइड्रोजन 12, एक हाइड्रोजन 13। इसमें जीरो न्यूट्रॉन होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन कौन सा एलिमेंट है जिसमें जीरो न्यूट्रॉन होता है, तो एक हाइड्रोजन ही है। इसके बाद इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम, और इसको बोलते हैं ट्रिटियम। ड्यूटेरियम जब भी हम हैवी वाटर की बात करते हैं ना, हैवी वाटर, तो उसमें ड्यूटेरियम डाला होता है, डी टू ओ डाला होता है। वैसे H2O फॉर्मूला होता है ना, डी टू ओ यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना, समझ में आया ना। अगला, और तीन में डिफरेंस तो हमने देख ही लिया था। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है वाटर मिशन 2047। इसमें क्या है, वाटर विजन दो, देखो हमने बोला है कि हम 2047 तक कौन डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एक्शन प्लान बना रही है, विजन डॉक्यूमेंट बना रही है, ठीक है। 5 मंत्रा पे काम करे, 5P मंत्रा, पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड परसुएशन।
और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किया है वाटर का, वाटर विजन इसके लिए लाया। सिंपल एक कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो उसके बाद एक डॉक्यूमेंट पे साइन होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है वाटर विजन 2047। हुआ कहाँ पे? भोपाल में हुआ। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये इसमें विजन क्या है कि अगले 25 साल में हम क्या करेंगे वाटर से रिलेटेड। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम है, याद रखें सेंट्रल स्पॉन्सर प्रोग्राम है, और ऑब्वियसली इसको अप्रूव किया यूनियन कैबिनेट, पीएम थे वहां पे चेयरमैन। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, 2022-23 से लेके 25 तक भी तक। अब ये स्कीम क्या कहता है, फाइनेंशियल एलोकेशन कितना है वो याद नहीं रखना है, और एक्चुअली 2022 वाला जो बजट आया था ना उसमें अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। मेन प्रोग्राम का क्या है कि जो बॉर्डर विलेज है ठीक है ना, उसको डेवलप करना है, क्योंकि वहां पे क्या है, चाहे नदन बॉर्डर हो, हमारे नॉर्थ में बॉर्डर हो, तो वहां पे कनेक्टिविटी कम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग आउट माइग्रेशन कर लेते हैं। तो लोग जितना आप आउट माइग्रेशन करोगे तो वहां पे मान लो मेल फैट तो आउट माइग्रेशन करके चले गए, मान लो कुछ कुछ फीमेल फीमेल है, तो उतना ज्यादा सिक्योरिटी सही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पहले लेवल पर तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कौन करते हैं, ऑब्वियसली जो विलेजर होंगे वही करेंगे ना। तो कितने डिस्ट्रिक्ट है? लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट है, 46 बॉर्डर ब्लॉक है, 4 स्टेट और एक यूटी में डेवलप करने का प्लान है। अगला है कंट्री का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट, कहाँ पे? पुणे में स्टैब्लिश करा है, वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे में। कौन सेटअप किया? सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर द ग्रीन विलियन लिमिटेड ने। प्रोजेक्ट कॉस्ट याद नहीं रखना है ये, और ये किसके साथ एग्रीमेंट किया था? जो हमारा पुणे का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके साथ किया था। पहला 10 टन रिएक्टर इसको इंस्टॉल किया जाएगा नवंबर 2023 में, और टारगेट है कि इसको इंटायर प्लांट को कंप्लीट कर लिया जाएगा नवंबर 2024 में। कंट्री का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट पुणे में बन रहा है। अगला क्या है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला टॉपिक क्या है अभी, क्या क्या है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है HUID। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया है कि आप उस ज्वेलरी की खरीद बिक्री नहीं कर सकते जिसमें आप HUID नहीं लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अभी तक क्या होता था, चीज क्या लिखा होता, एक BIS लोगो लगाया होता था और प्यूरिटी ऑफ द आर्टिकल लिखा होता था, बट अब आपको ये लिखना भी जरूरी है। ये कब के बाद है? 31 मार्च 2023 के बाद आपको लिखना होगा, ज्वेलरी वालों के बोला जा रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ है? BIS का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और एक बॉडी है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसको बनाया गया था BIS Act 2016 के एक्ट के बाद, ठीक है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उसके अलावा 5 रीजनल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्या, धारा क्या है? नेक्स्ट क्या, धारा, धारा जब भी बोलते हैं ना, धारा का मतलब होता है कंटिन्यूटी, धारा जो चल रही है ना, पानी की धारा। एन ओरे टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब जो भारतीय जो संस्कृति वाला जो नॉलेज है उसको डिस्कस करना, सीरीज ऑफ लेक्चर बनाना जिसमें इंडिया के सिविलाइजेशन अचीवमेंट की बात की गई हो, ठीक है? तो ये क्या है, ये किसके द्वारा लिया गया है? आजादी अंदर आजादी का अमृत महोत्सव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इन सब ने इसके पार्टनर है। इकोसिस्टम रिस्टोर, इकोसिस्टम का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उन इसमें इंडिया की रैंक है थर्ड, ठीक है ना? इंडिया में लगभग 108 यूनिकॉर्न है, याद रखिए यूनिकॉर्न का मतलब है ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है, और इंडिया में 108 हो गया है। 11 राम साइट सर साइट और ऐड किए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। 11 जो नए ऐड किए उसमें तमिलनाडु में 4 है, टोटल भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, और एक कहाँ से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, टोटल अब 75 हो गए हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, फिर यूपी में। लार्जेस्ट वेटलैंड साइट कौन है? सुंदरबन वेस्ट बंगाल का। स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, सिर्फ 20 हेक्टेयर में है।
फर्स्ट वेटलैंड जिसको रामसर कन्वेंशन के अंदर डाला गया, रामसर एक्चुअली मीटिंग हुआ ईरान में, ईरान इन 1971। पहला वेटलैंड जिसको डाला ये है चिल्का लेक, और सेकेंड है कियोलादो नेशनल पार्क राजस्थान में। चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट लगून है। इंडिया जो वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑफ ये है, और साइन कब हुआ 1971 में। ये कुछ अब देखो कन्वेंशन फोर्स में कब आया 1982 में। 2022 में सिर्फ 19 साइट को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। 2022 में ही गोवा और कर्नाटकों को पहला अपना रामसर साइट मिला। इंडिया का पूरा जमीन का 4.67% वेटलैंड है, याद रखिएगा। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेटलैंड सबसे ज़्यादा कहाँ पे, गुजरात में, एरिया एरिया, फिर आंध्र प्रदेश, फिर यूपी, फिर वेस्ट बंगाल। गुजरात, आंध्र प्रदेश, यूपी और वेस्ट बंगाल। कुछ और फैक्टर, सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूके में है, फिर मैक्सिको में। बोलीविया में सबसे ज़्यादा एरिया है, एरिया एरिया। उसके अलावा कनाडा, चैड, कॉन्गो, रशियन फेडरेशन, इन सबको भी 10-1 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। उसके अलावा अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कहाँ कहाँ है। पंजाब में है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरीके, रोपर, केशोपुर, मियामी और कांजी नंगल। हरियाणा में क्या है, विंध्यवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, सांभर और कियोलादो राजस्थान में है, नाल सरोवर, थोल, बदवाना, खिजादिया ये गुजरात में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कौन, भोज, साख्या, शिवपुर, यशवंत सागर। महाराष्ट्र में कौन है, नंदूर, माधवेश्वर, लोनार और थाने। गोवा में है नंदा लेक। कर्नाटका में क्या है, रंग थीतु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केरला में वही बहुत पुराना है, वेम्बनाथ, अष्टामुड़ी, सस्टम कोटा। जम्मू कश्मीर में वोलर लेक है, होकेरा है, सुरिंसर मानसर है, सलबॉग वेटलैंड है, हिगम वेटलैंड कंजर्वेशन। लद्दाख में तशो मरूरी, तशोकर। हिमाचल प्रदेश में पुंग, चंसल, रेणुका। उत्तराखंड में कौन है, अशन कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा याद रखना। अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर, हैदपुर वेट लाइफ सेंचुरी, हैदपुर, ये 13 अप्रैल 2021 को है। बखीरा, समसपुर वर्ल्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा वर्ल्ड सेंचुरी, शमन वर्ल्ड सेंचुरी, सूर सरोवर, संधि वर्ल्ड सेंचुरी, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी, सरसाई नवार झील। तो ये कुछ है। बिहार में कवर्तल लेक, आसाम में दीपुर व्हील, मणिपुर में लोकतक लेक, त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक, मिजोरम में पाला वेटलैंड, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वेटलैंड या ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। उड़ीसा में कौन कौन है, चिल्का लेक, सतकोसिया गॉर्ज, भितरकनिका मैनग्रोव, हीराकुंड रिजर्वायर, तमपारा लेक, अनसुपा लेक। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक। तमिलनाडु में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, पॉइंट कैलिमर, पिचावरन, पल्ली करनाई, वेलोड वर्ल्ड सेंचुरी, कुंथा कुलम वर्ल्ड सेंचुरी, करीकिली वर्ल्ड सेंचुरी, उद्यम मार्थादा पूरम वर्ल्ड सेंचुरी, वेदन थांगल वर्ल्ड सेंचुरी। उसके बाद है बेम्बनूर वर्ल्ड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, चित्रगंडी वर्ल्ड सेंचुरी, और ये तीनों भी तमिलनाडु का नया वाला है। यदुपुर वर्ल्ड सेंचुरी, कांजी रामकुलम वर्ल्ड सेंचुरी, सचिंद्रम थेरूर वेटलैंड सेंचुरी। अब इंडिया में 5G सर्विसेज के लॉन्च से रिलेटेड है। तो ये कब लॉन्च हुआ, फाइनली लॉन्च इन 6th एडिशन जो हुआ ना इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, वहां पे कहां पे, वो न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखना। 5G इज अ 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, लेटेस्ट अपग्रेड है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का, और जो लेटेंसी है उसको रिड्यूस करता है फ्रॉम लोअर देन 50 मिलीसेकंड से 10 मिली। लेटेंसी का मतलब कितना स्लो काम करता है। 5G प्रोजेक्ट की बात करते हैं, और 2017 में इंडिया ही ने रोल आउट कर दिया था। इस फोरम को हेड किए कौन किए थे, प्रोफेसर एजे पॉलराज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। ऑल इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बात करें तो हर साल होता है, इस बारी जो मेन थीम था न्यू डिजिटल यूनिवर्स, इनाग्रेट किन के द्वारा किया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लार्जेस्ट
मोबाइल कांग्रेस वाला है, उसका जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंस्पायर इनिशिएटिव की बात करें, इंस्पायर फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्पायर का फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिजल्ट। तो 14 सितंबर 2022 को हुआ 9th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन हुआ ऑफ इंस्पायर अवार्ड। क्या नाम है उसका? इंस्पायर अवार्ड का मनक। मनक का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। इसका फुल फॉर्म तो देख ही लिया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। और फ्लैगशिप प्रोग्राम किसका है? बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि यूथ पॉपुलेशन के बताओ कि भाई क्या एक्साइटमेंट होता है रिसर्च करने में। इस स्कीम को 2008 में अप्रूव किया जब 11th प्लान चल रहा था। प्लान हमने कहाँ से कॉपी किया है? USSR से कॉपी किया है। क्या फिफ्थ अब कहाँ किस प्लान के बाद ये प्लानिंग कमीशन हट गए? 12th 5-year प्लान के बाद अब नीति आयोग आ गई है। तो नीति आयोग के तीन बॉडी के बारे में याद रखना। चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको याद रखना वाइस चेयरमैन और CEO। कमेंट सेक्शन में बताओ ये दोनों इन्फॉर्मेशन। पीएम श्री स्कूल, एक नया स्कूल टाइप नए टाइप का स्कूल बनाने की बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया स्कीम है। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया। ऑब्जेक्टिव क्या है? टेस्ट बेड तैयार करना फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस किया जाएंगे, तो वो चेंजेस पहले इस स्कूल में कर लेते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर इनिशिएटिव स्कीम है। इसमें लगभग 14,500 स्कूल बनाने की बात की जाती है। टेक्नोलॉजी ड्रिवेन स्कूल होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले अगर आप बनाना चाहते हो, हर स्कूल को ये फायदा देना चाहते हो, पहले एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप का मान लो। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ही करेगी कि टीबी को खत्म कर दो 2025 तक। कई सारे कंपोनेंट है इसके। पहले निक्षय मित्रा डोनर इनिशिएटिव, इसको एडॉप्ट ए टीबी पेशेंट, कि ऐसा नहीं अपने घर ले जाना है बट उसको एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो, इतना पैसा दो, मछली खरीदो, जो भी जो जरूरत होती है। निक्षय पोर्टल क्या है? निक्षय मित्र कैन अडॉप्ट टीबी पेशेंट थ्रू, इसी पोर्टल से वो क्या कर सकते हैं, किसी अडॉप्ट कर सकते हैं। अगला अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म है। अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म अनवील्ड किया है और सोल्डर को रिक्रूट करना है 3 सर्विसेज में से। अग्निवीर उसको बोलेंगे, याद रखना अग्निवीर। और यहाँ पे विल बी ओनली मोड ऑफ रिक्रूटमेंट और अदर रैंक्स इन द आर्म फोर्स। अग्निवीर आपको पता है 45,000 से 5,000 को चुना जाएगा। और सेवा निधि, जो पैसे दिया जाएगा ना उसको सेवा निधि बोलेंगे, सेवा में दी। उसके बाद 25% को परमानेंट कर लेंगे, इतने को 4 साल के लिए, उसमें से 25% 4 बच्चों में से एक बच्चे को परमानेंट रख लें। अग्निवीर क्या है? बाद में वो ऐसा नहीं बोल सकती भाई हम 4 साल जॉब किए थे, हमको आप पेंशन चाहिए, नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रोजेक्ट मौसम, ठीक है ना, ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। फादर ऑफ आर्कोलॉजी किसको बोला जाता है बताइए? कनिंगम को। कनिंगम इसी ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया था, आई थिंक 1861 में। एक बार इसको कंफर्म करना। टू डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रोजेक्ट मौसम एट इंडियाज हैबिटेट सेंटर, जाके न्यू दिल्ली में हुआ। प्रोजेक्ट मौसम 2014 में लॉन्च किया गया था दोहा कतर में, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मौसम इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट बींग एडमिनिस्ट्रेटेड बाई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर याद रखना। थीम क्या है इसका? जलाधि पुर्यतंत्रा, एक्सप्लोरिंग क्रॉस कल्चरल लिंकेज अमॉन्ग इंडियन ओशन रिम कंट्रीज, लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। धर्मशाला डिक्लेरेशन साइन हुआ 2022 में, धर्मशाला डिक्लेरेशन। इसमें अटेंड किन्होंने किया? टूरिज्म मिनिस्ट्री ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट के अंदर आता है। धर्मशाला डिक्लेरेशन साइन हुआ, ठीक है। धर्मशाला डिक्लेरेशन अफर्म्स द प्लान टू पोजीशन इंडिया, दिखाना कि भाई मेरा जो इंडिया जो है ना वहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, G20 के प्रेसिडेंसी को बताना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है? पहले स्वदेश दर्शन स्कीम जो 2014-15 में है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चरल के अंदर आया। प्रसाद स्कीम क्या है? इंडिया ने लॉन्च किया प्रसाद स्कीम 2014-15 में, भाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म,
कि पिलग्रिमेज, रिजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो पता ही है कब आया। मेक इन इंडिया ने, अभी आपने देखा मेक इन इंडिया ने कंप्लीट कर लिया अभी 8 साल, 2014 में आया था, 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव किस पे बेसिस है? 4 पिलर पे, न्यू प्रोसेसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। अगला क्या है, की हाइलाइट्स क्या है मेक इंडिया में? बहुत सारे सेक्टर में अच्छा काम किया, याद रखिएगा। बुरहानपुर एमपी में पहला जिला बना है जिसको सर्टिफाई किया गया है हर घर जल, हर घर जल दरवाजा ऑफ, इसको मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है ना, इसको दरवाजा ऑफ दक्षिण बोला जाता है, दरवाजा ऑफ दक्षिण। कौन 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 से डिस्ट्रिक्ट में याद? सर्टिफिकेशन सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा दिया जाता है, 254 विलेजर्स ने दिया है, जल जीवन मिशन के अंदर आता है। जल जीवन मिशन क्या है? इसके अंदर 2024 तक सभी लोगों के घर में नल लगाना है, जो रूरल एरिया है उनको हाउस होल्ड टैप प्रोवाइड करना है, जिससे पानी का बचावत होगा, ठीक है ना। मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और कम्युनिटी अप्रोच पे फोकस करेगी। और एक और चीज़ याद रखना, अगस्त में गोवा और दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूटी। गोवा स्टेट है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये यूटी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? यूपी के ओराई तहसील में, ओराई तहसील में। एलिफेंट रिजर्व आपको पता है इधर ही बना है, 28 मंथ में ही बन गया, डेडलाइन से बहुत पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेसवे इतना खर्चा हुआ, और किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया? उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिए। ये भारतकूट से शुरू होता है और झांसी प्रयागराज तक चलता है, नियर चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, NH-35 पे चलता है, याद रखिए। स्वनिर्भर नारी स्कीम, मतलब नारी को क्या करना है? स्वनिर्भर बनाना है, स्वनिर्भर। ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा होता है, ऐसे वीवर जो वुमेन काम करती है ना हैंडलूम सेक्टर में, उसको फायदा पहुंचाना है। डायरेक्टर ऑफ हैंडलूम टेक्सटाइल जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इन्वॉल्व किया गया। ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियली जो डिसएडवांटेज वुमेन है ना उनको सहायता करना। पहला फेज 2020 में लॉन्च किया गया। अगला क्या है, पेसर इनिशिएटिव। द क्रायोस्फीयर इज द फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम, इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर। इंडिया ने पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, कि पोलर साइंस को और ज़्यादा समझने की कोशिश करना, ये सब है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रीजन। और ड्यूरेशन क्या है? 2021 से 2026, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेशनल वीडियो में हम नेशनल करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टैटिक को साथ साथ करें इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम उतना नहीं लाता। आप मुझे बताओ क्या स्टैटिक करना सही है, स्टैटिक का रिविजन करना सही है, ये बताओ, क्योंकि स्टैटिक बहुत वही आता है जो डायरेक्टली करंट अफेयर से हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।